अच्छा रखा है वेल सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने हेल्थ को वेल करें। अगर हमारा हेल्थ वेल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए एक छोटा सा डेमो मैं आपको दिखाता हूं। आपने जर्नल देखा ही होगा, हम एक डेमो लेते हैं, कैल्शियम का डेमो लेते हैं और यहां पे जितने भी लोग हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि उसमें से अगर हम ये बोलते हैं कि 40 प्लस के जो भी लोग हैं नॉर्मल, वो मार्केट में डॉक्टर के कहने पे कैल्शियम जरूर लेते होंगे। और कैल्शियम लेना एक फैशन भी है कि हाँ जी कोई प्रॉब्लम हो गई, घुटने में दर्द हो गया तो कैल्शियम तो ले ही लो, ऐसा नहीं है। और अगर आप कैल्शियम मार्केट का लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते। प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान आप 6 महीने से 9 महीने तक कैल्शियम लेते हैं, उसके बाद भी कैल्शियम लेते हैं, हम एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि कैल्शियम लेना चाहिए। क्योंकि बात तो बिल्कुल साइंटिफिकली सही है कि अगर आप एक न्यू बॉर्न को डिलीवर करते हैं तो आपकी बॉडी में, हड्डियों में, आपके दांत में कैल्शियम की कमी तो हो जाती है। तो कैल्शियम लेना तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि मार्केट के कैल्शियम को इस्तेमाल करने से हमारे को हार्ट अटैक हो सकता है, मार्केट के कैल्शियम को इस्तेमाल करने से हमें किडनी स्टोन हो सकती है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। आज आपने देखा होगा हर 10वें 15वें बंदों के आप देखेंगे कोई कहता है मेरी यहां की हड्डी बढ़ गई, मेरी वहां की हड्डी बढ़ गई। लेडीज में नॉर्मल ये प्रॉब्लम्स काफी रहती है, या नीचे एरियो में, एंकल में आप देखते हैं हड्डियां बढ़ जाती। वजह के पीछे आप गए, क्या इसके पीछे क्या वजह थी आपने कभी सोचा? जो डॉक्टर ने आपको कैल्शियम दिया उस कैल्शियम का इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम आई है? आपने सोचा कि आपको हार्ट अटैक की वजह आपका कैल्शियम हो सकता है? नहीं सोचा। मोदी के कैल्शियम में और मार्केट के कैल्शियम में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। आप एक छोटा सा डेमो देखिए, आपको समझ आ जाएगी फर्क कहां है। आप अपने घड़ी में सिर्फ 2 मिनट का टाइम देखिए, सिर्फ 2 मिनट नहीं लगेगा और इस कैल्शियम को पानी में डिसॉल्व होने में, मार्केट का कैल्शियम को आप चेक करके देख लीजिए, आपको 1 से 2 घंटे में डिसॉल्व भी नहीं होगा। आप घड़ी का टाइम ऑन कर लीजिए और मैंने कैल्शियम इसके अंदर डाल दिया, कैल्शियम मैंने डाला और इफेक्ट आपको खुद ही नजर आ जाएगा, चेंजेस शुरू हो गए हैं। 1 मिनट रुक जाइए, बस 2 मिनट का मैंने टाइम दिया है, शायद 1 मिनट भी ज्यादा हो जाए। क्यों मोदी केयर का कैल्शियम रिक्वायर्ड है? देखिए सबसे हैरानी की बात मुझे ये लगती है, सर ने मुझे आज मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो मैं पता क्यों खड़ा हूं, मेरे राइट और लेफ्ट की वजह से खड़ा हूं। राइट में प्रदीप जी खड़े हैं, लेफ्ट में गिरी जी खड़े हैं और सामने मेरे भाई पिट्टू मुंडा है, मतलब कोई भी मुझे छोड़ नहीं रहा है। एक्चुअली मोदी केयर में आने का कोई प्लान नहीं था, मेरी डॉक्टरी अच्छी खासी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन ये 3 ऐसे सस हैं पर्सन मेरी लाइफ में आए अचानक से और सारी चेंजेस जो हुई मेरे लाइफ में इनकी वजह मिस्टर प्रदीप वर्मा जी, गिरीश जी और मेरी वाइफ बिट्टू मुंद्रा। आधे से ज्यादा लोग मुझे बिट्टू मुंद्रा कहते हैं, जब मैं जब रजौरी गार्डन जाता हूं तो मुझे सब बिट्टू मुंद्रा कहते हैं, मैं भी चुपचाप रहता हूं, मैंने कोई बात नहीं बिट्टू मुंद्रा। देखिए कैल्शियम में आपको ये कैल्शियम आप देखिए 2 मिनट हुए हैं और ये कैल्शियम डिसॉल्व होना शुरू हो गया। अब देखिए डिसॉल्व पानी में अभी थोड़ी देर में और भी हो जाएगा। अब देखिए पानी में डिसॉल्व हुआ तो क्या हम मीनिंग निकाले इसका? मार्केट के कैल्शियम को इस्तेमाल ना करें, मोदी के कैल्शियम को इस्तेमाल करें। वजह क्या है? हमारी बॉडी 70% आपको बताए हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? पानी से बनी। बहुत ही खास बात है, हमारे पूरे अर्थ में देखा जाए तो 70% पानी है और 25 से 30% लैंड। हम अपनी बॉडी को देखें तो 70% पानी है और 30% अनदर चीज है। तो जो बॉडी 70% पानी से बना है और हमारा कैल्शियम पानी में डिसॉल्व हो रहा है, तो क्या बॉडी में ये कहीं भी
ये कैल्शियम बॉडी में कहीं भी डिपॉजिट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है। जो मार्केट से कैल्शियम आप लेते हैं वो डिपॉजिट होगा, क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, और एक बार अगर डिसॉल्व हो भी गया, आपके स्टमक में एसिड होता है, एसिड के प्रभाव से अगर वो टूट भी गया तो वो जहां जाएगा ब्लड के थ्रू वहां डिपॉजिट हो जाएगा। अगर ब्लड वेसल्स में कैल्शियम इकट्ठा होता है तो आपके ब्लड वेसल्स थिक हो जाते हैं, थिक होने के कारण उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैल्शियम मोदी कर का इस्तेमाल करें या मार्केट का इस्तेमाल करें, आप खुद देख सकते हैं। ये आपका कैल्शियम अब आपको दिख रहा है, क्लियर? यस। देखिए हो गया डिसॉल्व, तो ये आप देखिए सिर्फ नॉर्मल पानी है। हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम्स भी है, हमारे स्टमक के अंदर एसिड भी है, HCl भी है, और पानी तो है ही। तो ये कैल्शियम खास बात है, इसीलिए अगर आप ये कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं मोदी केयर का, तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि मुझे 15 दिन इस्तेमाल करना है या 30 दिन इस्तेमाल करना है या एक महीना इस्तेमाल करना है। आप बड़े आराम से जितने टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं कैल्शियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि मैंने अभी चेक किया, ऐसे समय की पाबंदी है तो मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, लेकिन मैंने जो चेक किया, मुझे जो चेक करके मिला अभी 2017 का रिपोर्टिंग मैंने देखा, जब मुझे पता है कि मुझे वेल के प्रोडक्ट के बारे में ही बात करनी है, और मैं आज वेल के प्रोडक्ट की वजह से ही मोदी केयर में एक पर्टिकुलर, अभी बहुत कम लेवल पे हूँ, डायरेक्टर ही हूँ, मैं भी नहीं हूँ, मेरी वाइफ है, तो मैं बहुत छोटे लेवल पे हूँ, लेकिन उस लेवल को अचीव करने के लिए जो मुझे हेल्प मिली, डायरेक्टर बनने के लिए जो हेल्प मिली, मिस्टर प्रदीप वर्मा जी, कैल्शियम और विटामिन, इन तीन लोगों के हेल्प से मैं आज डायरेक्टर हूं, और आप हैरान हो जाएंगे कि कैल्शियम और विटामिन एक महीने के अंदर कितना सेल कर सकता हूं मैं। आप सोच सकते हैं 50,000 रुपए का कैल्शियम और विटामिन मैंने एक महीने में सेल किया है, और जिसको भी दिया है वो लोग अपने रिश्तेदारों के लेके जा रहे हैं कैल्शियम और विटामिन। खास बात, आप जिस चीज पे, मुझे ऐसा लगता है कि हम कंसल्टेंट, जितने मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं, जो लोगों की सबसे बड़ी बात है उसको हमने सबसे छोटी बात बना ली। 2017 का विश्लेषण बताता है कि 250 बिलियन डॉलर्स का काम सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट में हुआ है, सप्लीमेंट में हुआ है। तो मैं देखना चाह रहा था कि हम कहां हैं, तो मैंने देखा 1 से 20 में हम नहीं है। वजह कि हम अपने प्रोडक्ट्स के स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहे। आप एक चीज देखिए, बात बताता हूं, अगर आप किसी को स्टेरिक क्रीम देते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन क्या आपने एक चीज देखा है कि आप किसी भी चीज को भूल सकते हैं, लेकिन एक बात आपने ध्यान दिया होगा, आप अपने डॉक्टर को कभी नहीं भूलते, स्पेशली उस डॉक्टर को नहीं भूलते जिस डॉक्टर से आप कभी ठीक हुए। कभी कोई, मैं देखता हूं मेरे पास कई सारे पेशेंट आते हैं, और वो बहुत पुराना सा एक पेपर मेरे पास लेके आते हैं, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी उस समय का वो पेपर उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, और वो लेके आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे अपने 15 साल पहले ये पेपर में प्रिस्क्राइब किया था और मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसे देख के ना मुझे बड़ी खुशी होती है कि मतलब 15 साल पहले का पेपर बंदे ने संभाल के रखा हुआ है, मतलब उसने अपने दिमाग में मुझे जगह दे रखी है। सोच को बदलना पड़ेगा। 250 बिलियन डॉलर्स का काम अगर बाकी कंपनी कर सकती है, और 1 से 20 में हमारा नाम नहीं है। वजह है हम अपने वेल प्रोडक्ट को समझ नहीं पा रहे। इतने शानदार वेल के प्रोडक्ट हैं,
मैंने सब कंपनी में काम किया है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया, मल्टी लेवल मार्केटिंग मैंने नहीं करी है, लेकिन मोदी केयर के हेल्थ के प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते और बहुत ही इफेक्टिव है। देखिए मैं जो यहाँ पे मैं इसके बारे में बहुत डिटेल कभी वर्क सेशन में होंगे सर करवाएंगे तो मैं वहां पे बताऊंगा। अभी मैं आपको एक डिटॉक्स, आपने सुना है डिटॉक्स के बारे में, तो मैं डिटॉक्स के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ कि डिटॉक्स में ऐसे क्या खास बात है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए और क्या खास एक बात है उसके अंदर, मैं आपको बताता हूं। देख देखिए भाई, डिटॉक्स को देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिटॉक्स हम क्यों दे रहे हैं। तो डिटॉक्स में एक प्रोडक्ट है भिंगराज। क्या प्रोडक्ट है? मैं इसके बारे में एक एक के प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं वो क्या चीज है। दूसरा प्रोडक्ट है वरुण। वरुण नाम का एक पौधा होता है, डिटॉक्स में वरुण है और मैंने ऊपर नीचे कुछ लिखा है इसके बारे में, मैं बताता हूं। किडनी और एक लिखा यहां परस्पिरेशन। क्या लिखा? परस्पिरेशन मतलब पसीना आना। ठीक है, मैंने यहाँ चार और प्रोडक्ट्स लिखे। चार प्रोडक्ट में नाम है बापची, चिरायता जिसको कालमेघ भी कहते हैं, और गुटकी और नील। जो आप डिटॉक्स देखते हैं डिटॉक्स में इन्हीं चीजों का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। कमाल की बात है, डिटॉक्स कंप्लीट डिटॉक्स जो है वो उसमें कोई भी केमिकल नहीं है। दिस इज 100% प्लांट बेस्ड। नाम आपको मैं दिखाई रहा हूं, भीमराज आपको पता है प्लांट है, वरुण नाम से ही पता लग रहा है आपका प्लांट है, बापची, चिरायता, कुटकी, नीम। इसके अलावा इसके अंदर है त्रिफला। क्या है? त्रिफला। और एक है इसमें डेजर्ट टिक। डेजर्ट एक मरुस्थल का एक वुड है, प्लांट है डेजर्टिक। अब देखिए यहां पे भृंगराज, स्किन की प्रॉब्लम, त्रिफला, डेजर्टिक, वरुण, ये बॉडी के अंदर क्या कर सकती है। डिटॉक्स देने से पहले अगर हमने डिटॉक्स दिया है और हमें ये नहीं पता कि डिटॉक्स हम क्यों दे रहे हैं एज ए कंसल्टेंट, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अभी मैंने दो मिनट पहले कहा था, अगर आपके भाव डिलीवर नहीं हो सकते तो रिजल्ट भी डिलीवर वहां से नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो चीज सामने वाले को दे रहे हैं उस चीज में क्या खास बात है। अब देखिए भृंगराज को आपने देखा, ये कुछ नजर आ रहा है कि आपको बोर्ड में कैसा लग रहा है? बोर्ड में ये पिक्चर कुछ लग रहा है? बॉडी लग रही है। ये देखिए भृंगराज है जो यहां पे मैंने बनाया, ये आप कह सकते हैं कि हमारा ईएनटी स्पेशलिस्ट है। क्या है? ईएनटी स्पेशलिस्ट है, मतलब कहां कहां काम करेगा आपको याद करवा देता हूं, नोज पे और थ्रोट पे प्लस में हेयर पे, आप सबको पता है वर्क करता ही करता है।
तो ये एक चीज है जो आपका कंप्लीट ये पोर्शन कवर कर देता है, अपर पोर्शन आपका डिटॉक्स देने से अपर पोर्शन आपका कवर होता है। दूसरी बात, बापची, चिरायता, कुटकी और नीम, सबको पता है कि उसकी दादी अम्मा चिरायता पीस के दे देती थी, घोट के दे देती थी, बुखार में दे देती थी, आप सबको पता है। तो ये जो आप देख रहे हैं बापची, चिरायता, कुटकी और नीम, इसका इफेक्ट आपके स्किन पे आता है। वजह क्या है, स्किन पे प्रॉब्लम क्यों आती है? स्किन पे प्रॉब्लम आने की वजह है आपके ब्लड के अंदर प्रॉब्लम है। जब तक ब्लड आपका टॉक्सिन्स ब्लड के अंदर नहीं है तब तक आपको स्किन की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो ब्लड को डिटॉक्स करने के लिए, ब्लड को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? बापची, चिरायता, कुटकी और नीम। और जब भी आपका ब्लड डिटॉक्स होगा, समस्या क्या है, हम लोग एज ए कंसल्टेंट जैसी डिटॉक्स देते हैं कुछ हीलिंग क्राइसिस हो जाती है बॉडी में। हीलिंग क्राइसिस होती है और हम हड़बड़ा जाते हैं, अरे ये कोई पंगा ना हो जाए, ये हमने क्या दे दिया, सामने वाला हमारे को कह सकता है डॉक्टर साहब अब आप काम ही ऐसा करेंगे, वेल का प्रोडक्ट देंगे तो डॉक्टर साहब तो हो ही गया, डॉक्टर साहब ये तो डिटॉक्स खा के मुझे फीवर हो गया। डिटॉक्स खा के तो फीवर डेफिनेटली हो सकता है। अब डेफिनेटली क्यों हो सकता है, जरा देखिए, ब्लड के अंदर WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, जैसे ही आपके बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, फॉरेन पार्टिकल क्या है, आपका वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है, जैसे ही आपके बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा इमीडिएट WBC का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जैसे WBC बढ़ेगा ये WBC क्या करना शुरू करेगा, फाइट करना शुरू कर देगा। आपको मैं बताता हूं, किसी के खींच के एक कान में लगा दीजिए, आप देखिए गर्म हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर किसी को आपने खींच के एक लगा दिया तो अगर ये गर्म हो सकता है, WBC और फॉरेन पार्टिकल का जो कॉलिजन हो रहा है, WBC और फॉरेन पार्टिकल के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से क्या हीट पैदा नहीं होगा? दैट हीट इज अपीयर एज अ फीवर। तो आपने डिटॉक्स दिया और सामने वाले को 2-3-4 दिन के बाद, तुरंत नहीं होने वाला कुछ, तो 2-3-4 दिन के बाद अगर उसको फीवर होता है तो आप खुश हो जाइए, आपका फेस एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, ओ ये क्या हो गया, ये क्या नहीं हो गया, आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए ये तो बहुत बढ़िया हो गया। गांधी जी ने एक बात बोली थी, अगर आपको पता है, डांडी आश्रम में नेचुरोपैथी सेंटर शुरू किया। हमारे नेचुरोपैथी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट नेचर से रिलेटेड है, सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। कोल्ड के रोगियों को गांधी जी ने मिट्टी लगा लगा के ठीक कर दिया, और जितने कोल्ड की बीमारी, लेप्रोसी जिसको कहते हैं, वो कभी ठीक नहीं हो सकती। और गांधी जी ने सिर्फ नेचर की ओर से, नेचर की चीजों से, जिससे हमारा वेल का प्रोडक्ट बना हुआ है उससे ठीक कर दिया। और उनकी उन्होंने एक स्लोगन बनाया था, तुम मुझे नहीं, तुम मुझे खून मत दो, तुम मुझे फीवर दो, मैं तुम्हें डिजीज मुक्त कर दूंगा। जैसे ही पेशेंट को डिजीज होता था, कंफर्म हो जाता था कि ये पेशेंट अब ठीक हो जाए। तो ये जो हीलिंग क्राइसिस होता है, इसके बारे में ज्यादा परेशान मत हो। देखिए दूसरा है यहां त्रिफला, त्रिफला और चिरायता, ये दोनों क्या करेगा, जैसे ही लेना शुरू करेंगे आप, जैसे ही लेना शुरू करेंगे डिसेंट्री, लूज मोशन हो जाएगा, आपको स्टूल आना शुरू हो जाएगा, फिर आप परेशान हो गए, ये क्या हो गया जी, जी कोई बात नहीं, क्या क्या हो गया, आपको सब पता है लूज मोशन क्यों हो रहा है। आपने सुना होगा एक कहावत, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर साहब मैंने ना बहुत उल्टा सीधा खा लिया कल और मुझे लूज मोशन हो गया, दवाई दे दो। भाई जब तेरे को पता ही है कि उल्टा सीधा खा लिया और लूज मोशन हो गया तो दवाई किस लिए मांग रहा है? मतलब जो चीज बॉडी आपकी एलिमिनेट करना चाहती है, आप समझदारी दिखा के डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, क्या कहते हैं, हमने डॉक्टर साहब कल शादी में गए, उल्टा सीधा खा लिया, लूज मोशन हो गया, लूज मोशन रोकने की दवाई दे दो। भाई लूज मोशन रोकना किस लिए, बोले दोस्तों, अगर बॉडी आपकी चाहती है कि वो चीज जो आपने खाया शादी में
शादी में खाते तो हम पता ही है कैसे खाते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। तो बॉडी उसको नहीं मानती, नहीं रखना चाहती और उसको एलिमिनेट करना चाहती है, करने दीजिए। एग्जैक्टली जो हमारा डिटॉक्स है, डिटॉक्स के अंदर त्रिफला होता है, त्रिफला में आंवला हरड़ बहरा होता है। जैसे आप इसको लेना शुरू करेंगे, ये आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करना चाहेगा और इंटेस्टाइन को क्लीन करने का एक ही रास्ता है, स्टूल पास आउट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका लीवर से डिटॉक्स होना शुरू हुआ, अगर आपका लीवर से कोई भी गंद निकलना शुरू होगा, उसका रास्ता भी क्या होता है, स्टूल ही होता है, स्टूल से ही निकलेगा। तो अगर किसी को लूज मोशन हो गया, कोई टेंशन नहीं, होने दीजिए। लूज मोशन का पहचान कैसे करें, अब आपको मन में आता है लूज मोशन हो, छोड़ कैसे दे। बहुत आसान तरीका है लूज मोशन को पहचानने का, कि लूज मोशन की वजह हमारा डिटॉक्स है या लूज मोशन की वजह कोई इंफेक्शन है। अगर इंफेक्शन की वजह से लूज मोशन होगा तो दो लूज मोशन के बाद उसके हाथ पैर चलने लायक नहीं रहेंगे। अगर वो चलने लायक नहीं रहता तो कंफर्म है कि उसका लूज मोशन किसी इंफेक्शन की वजह से है और उसको आप डॉक्टर के पास भेज दीजिए। लेकिन लूज मोशन होने के बाद भी कोई थकान नहीं होती तो होने दीजिए। ये आपका डिटॉक्स का कमाल है जिसने वहां लूज मोशन करवा दिया। दूसरी बात है ये डेजर्ट टिक, ये जो है इससे क्या होता है, जो भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जो भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वहां ये डेजर्ट टिक काम आता है। ये वरुण क्या करता है आप देखिए, देखिए वरुण क्या करता है, वरुण में एक खास किस्म की चीज होती है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। वरुण में ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज पाया जाता है जो ऑक्सैलेट नहीं बनने देता। और अगर ऑक्सैलेट नहीं बनता है तो सिंपल सिंपल आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, जो कि आज बहुत ही कॉमन है, अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आपका डिटॉक्स काम करेगा। तो ये आपके वेल के प्रोडक्ट हैं। दो प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया, कैल्शियम और डिटॉक्स। तो वेल के प्रोडक्ट की वैल्यू को आप जानें, आपके जितने भी मेंबर्स हैं वेल के प्रोडक्ट को आप बढ़ावा दें और आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम 120 में भी लाइक कर दें 2018 में। थैंक यू। एक जोरदार तालियां हो डॉक्टर के लिए। मुझे पता है कि डॉक्टर साहब को रोकना पड़ा और आप भी चाह रहे हो कि वो रोक दिया, ऐसा ही है ना? Yes. तो आपके लिए खुशखबरी है, सुनना चाहेंगे? Yes. डॉक्टर साहब के 2 घंटे हमने मांगे हैं, हर शनिवार नहीं, महीने का एक शनिवार 2 घंटे कैलाश कॉलोनी 2 बजे, और वहाँ ऐसे ही हाउसफुल होना है तो वहाँ पर 4 बजे मत आना। कितने बजे आना? 1 बजे। सीन चाहिए तो कितने बजे आना? 1 बजे। So every Saturday नहीं, second Saturday of every month 2 बजे कैलाश कॉलोनी। हेल्थ की डिटेल नॉलेज की, दूध में चीनी क्यों नहीं डालनी चाहिए और दही में नमक क्यों नहीं डालना चाहिए, मुझे सालों हो गए थे नहीं बता रहा था। So now, इतने शानदार नॉलेज के लिए एक बार चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के लिए तालियां ना, वक्त निकाल के हमारे साथ।